welcome back to my channel, Cute Stationery. Let's get started with Dom's metallic brush pens. तो आज ना मैं eating time table कर रही हूँ, मतलब मैं eating time table बना रही हूँ. तो चलो बनाते हैं. सबसे पहले मैंने पेपर के तीन कॉर्नर्स को तो कट कर ही लिया था, और अभी बाकी का फोर्थ जो बचा था वो कट कर लेते फटाफट से. और गाइज, आजकल आपको स्टूड स्टेशनरी चैनल पे ना लेके दो से तीन वीडियोज़ पेपर क्राफ्ट की आने वाली है. बिकॉज मेरे पास पेपर दिखाती हूँ आपको, इतने सारे पेपर बने हैं, ये देख लो. अभी इन्हें वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ क्राफ्ट बनाएंगे इनसे, और फिर कुछ यूजफुल थिंग्स भी बनाएंगे, कुछ डायरी वायरी भी बनाएंगे, बहुत कुछ बनाने वाली मैं. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, मैं और अच्छी अच्छी आपके पास मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी. सो लेट गेट स्टार्टेड. अब मैं इसे ऊपर से कर्व कट करने की सोच रही थी, लेकिन मैंने फिर कट ही नहीं किया. छोड़ो बताया क्या करना है कर्व कट करके. और अब मैं सोच रही हूँ ऊपर से कर्व कट करूँ या ना, लेकिन अब मैं नहीं करूँ. तो अब इसे ना ऐसे कट कर, ये ना कर्व में कट कर दो, लाइक सी होता है ना वैसे कट करना है आपको. ऐसे ये देखो. एंड मेरा सीरियस अनबॉक्सिंग चैनल भी है, उसे भी गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं उस चैनल पर मैं अपनी अनबॉक्सिंग वीडियोस डालूंगी. एंड इस चैनल में मैं सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की भी डालूंगी. तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके रख लो प्लीज़. हाँ प्लीज़. चलो तो अब ये जो है कॉर्नर्स, इन्हें मैं ब्लू ब्रश से वो कर लूँगी. इनकी टोन्स आती हैं, इसलिए मेटालिक वैसे ना ब्लैक पेपर में बहुत अच्छे चलते हैं. तो मेटालिक एक बार ब्लैक पेपर पे चला के जरूर देखना अगर आपने वाइट किया है. मेरे पास ब्लैक पेपर नहीं है, मैं ऑर्डर जरूर करूंगी एंड आपको दिखाऊंगी बुक से अगर मुझे ऑनलाइन मिला तो. ठीक है, फटाफट से मैंने इसे कॉर्नर अच्छी तरीके से मैंने अंडरलाइन कर लिया है. ठीक है, तो अब इसके ऊपर मैंने एक कर्व लाइन बनाई है. अब इसके अंदर कोई और कलर्स में राइट करने वाली हूँ माय ईटिंग टाइम टेबल. छोटा छोटा सा लिखना है यहाँ पर. और उसकी वीडियो मेरे सीरियस अनबॉक्सिंग चैनल पे अपलोडेड है. तो प्लीज़ उससे भी सब्सक्राइब करके रख लेना फटाफट से. तो ना अब मैंने माय ईटिंग टाइम टेबल लिख लिया है. अब इसमें ईटिंग टाइम टेबल तो लिख लिया है, अब नीचे मैं डेज लिखूँगी, डे लिखूँगी इधर एक लाइन मारकर. उसके बाद जो मेरे को खाना होगा उस डे पे मैं वो लिखूँगी. तो आपसे मिलती हूँ 2 से 3 मिनट में. तो गाइस अब मैं गई थी कहीं, इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया. तो मैंने ऐसे लिख लिया है, कुछ लिख लिया है. अब मैं इसके ऊपर एक लाइन मार देती हूँ फटाफट से. वो मैं कौन से कलर से मारूँ, कलरफुल बनाना है यार मुझे ना, कलरफुल अच्छे लगते हैं ऐसे, मतलब एक ही कलर से लिखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता. तो इधर मैं लाइन लगा देती हूँ इसके ऊपर एक और लाइन से मार के. ठीक है, तो डेज लिख लिया है एंड सैटरडे तक का लिखूंगी. तो पता है इसमें मैं कैसे लिख रही हूँ, जैसे ना मंडे को मैं मैगी खाऊंगी ऐसे, और ट्यूसडे को ना, हाँ तो ये सब कुछ जिस पे मैं लिख रही हूँ वो डिनर का ही लिखूंगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये इतना से खाली स्पेस है, इसके ऊपर मैंने कलरिंग पेन कर लिया था, ये खाली स्पेस थी ना, ये मैंने ऐसे अपने सी ग्रीन कलर से कलर कर लिया.
painted here and here, which is one something. अभी होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. अच्छा, अभी लिख दिया एंड इसकी लाइंस भी मार देती हूँ, पूरी लाइन लगा देती हूँ. अब इसके अंदर बेटा कब से मैं डेज लिख लेती हूँ, क्योंकि डे लिखने हैं ना मंडे वाले, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, फटाफट से लिख लेती हूँ. मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डे लिखने के लिए अंदर पिंक कलर. फ्राइडे मैंने कुछ मतलब तला हुआ लेती हूँ, यहाँ पर ऑयली कुछ है ना, फ्राई मतलब पका हुआ, और यार कैसे बोलूँ, फ्राई पर कुछ ऑयली लेती हूँ, मतलब फ्राई है ना तो ऑयली हुआ, तो मतलब हुआ ना फ्राइडे. अब तभी कुछ स्केच सैटरडे एंड दिस संडे. संडे लिखूंगी अंदर फिर. Is ready. अभी हाँ रेडी हो गाइस. हाँ, अब मैं इसके अंदर लिखूंगी आई थिंक ये वाला लगा दूंगी मैं लिखने के लिए. फटाफट से लिखती हूँ. सबसे पहले मैं लिखूंगी फ्राइडे का. पता है क्या फ्राइडे का क्या लिखूंगी, गेस करो फटाफट. 1, 2, 3, 4, 5 सैंडविच. फ्राइडे को मैं ब्रेकफास्ट में सैंडविच एंड थर्सडे को शाम को लिख रही हूँ, शाम को मैं ये चीज़ें खाया करूँगी. शाम को नहीं मतलब जब भी मेरा मन करता है, कभी दोपहर को तो कभी सुबह तो कभी रात को या कभी शाम को, ये सब चीज़ें मैं तब के लिए लिख रही हूँ. एंड वेडनेसडे को मैं क्या खाऊंगी, राइस. ओके, हाँ तो मंडे को मैं सीधा सा लिख रही हूँ, सीधा सीधा एकदम. मंडे को मैं क्या खाऊंगी गाइस, मंडे को कुछ फास्ट फूड लेती हूँ, लाइक कभी गोल गप्पा, कभी कुछ लाइक फास्ट फूड. एंड देन 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 सैटरडे को मैं क्या खाऊंगी, सैटरडे को मैं चीजें खाऊंगी. चीजें मीन्स जैसे चिप्स लिख देती हूँ एक बार, जैसे कभी चिप्स या कुरकुरे या मैगी और चिप्स में खराब करते वाली चीज है, वो मैंने एक एक दिन की कैप में लिखी है. संडे को मैं चाय गॉन टाइम लाएगी, अगर कुछ भी मैं काम की मैं वो करूँगी संडे को. बच अच्छा, आप ट्यूजडे बताया, ट्यूजडे को क्या लिखूँ. ओ गाइस, ट्यूजडे को तो एक क्या चिकन खाते ही नहीं है, और मैंने ट्यूजडे को नहीं लिखना था. एक काम करती हूँ, मैं मंडे को देख लेती हूँ आई गेट चिकन, और मंडे को लिख लेती हूँ आई
आइडिया चिकन, ठीक है। अट्टे उसी को लिखती हूँ मैं फास्ट फूड, बिकॉज आई एम अ नॉन वेजिटेरियन गर्ल, सो आई एम अ नॉन वेजिटेरियन गर्ल, मैंने ट्यूसडे को फास्ट फूड ले लिया। पर अब मैं जैसे कि ट्यूसडे को मैंने फास्ट फूड लिखा है और मैं मंडे को चिकन ले लिया हूँ, चिकन या कुछ आएगा ठीक है। तो ये है मेरा ईटिंग टाइम टेबल, ये देख सकते हो आप, एक मिनट मैं आपको शो करती हूँ। सो गाइस ये देख लो, ये मेरा ईटिंग टाइम टेबल। ओके बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।